आज ही के दिन 1527 में चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह प्रथम आगरा के युद्ध में बाबर से पराजित हुए। आज ही के दिन 1672 में इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन 1769 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बुनकरों पर प्रतिबंध लगाया। आज ही के दिन 1782 में मराठा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सलबाई की संधि हुई। आज ही के दिन 1959 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत से भारत पहुंचे। आज ही के दिन 1962 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ। कल्पना चावला एक अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आज ही के दिन 1987 में भारत के मास्टर बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टेस्ट करियर को अलविदा कहा। आज ही के दिन 1990 में भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का जन्म हुआ। साइना दुनिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है तथा इस मुकाम तक पहुंचने वाली वो प्रथम भारतीय महिला है। साथ ही एक महीने में तीसरी बार प्रथम वरीयता पाने वाली भी वो अकेली महिला खिलाड़ी है। लंदन ओलंपिक 2012 में साइना ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। साइना को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 1994 में रूस ने नाटो की शांति सहयोग योजना में शामिल होने का निर्णय लिया। आज ही के दिन 1996 में क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता। आज ही के दिन 1998 में झू रोंगजी चीन के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए।